उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों का हक क्यों मारा है, ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी भाजपा। संजय सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में बीजेपी सरकार द्वारा हेराफेरी की गई है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।